सभी का नमस्कार, मेरा नाम है मनु झा और आप देख रहे हैं मनु के वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन बाद आप वीडियो बना रहे हो, अभी तक कहाँ चले गए थे? तो अभी तक थोड़ा मतलब बिजी हो गए थे दूसरे कामों में, तो हमने चैनल पे ध्यान नहीं दे पाया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और अब हम ये कहना चाहते हैं कि अब वीडियो आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे, हर हफ्ते में दो वीडियो तो आएंगे ही आएंगे, और अगर उससे भी ज़्यादा कोशिश करते हैं तो तीन वीडियो एक हफ्ते में तो आएंगे ही, एक क्लियर है। और जहाँ तक कि चैनल की बात की जाए तो चैनल ठीक चल रहा है। सब्सक्राइबर एक सेकंड हम बताते हैं आपको, हाँ सब्सक्राइबर 2393 हो गए हैं अभी तक, क्योंकि हमने लगभग जनवरी में वीडियो डाला था, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई मतलब चार महीने से हमने कोई भी वीडियो नहीं डाला। तो सब्सक्राइबर तो लगभग थोड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चल रहा है इंक्रीज, वीडियो भी कुछ चल रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। और एक वो वीडियो बनाया था शिवानी के बारे में, वो वीडियो काफ़ी चल रहा है, उसके कमेंट ज़्यादातर आते हैं। वो जो अंकल जी के साथ बनाया था, उसका दूसरा पार्ट भी हम गए थे बनाने, तो वो अंकल जी मिल गए थे और उसका दूसरा पार्ट भी हम अपलोड करेंगे, अभी है, उसको एडिट नहीं कर पाया, उसको एडिट करके हम डालते हैं। और वीडियो ना बनाने का थोड़ा जहाँ तक कि कहें 50% मूड ऐसा रहा कि मतलब ऐसा क्या कारण रहा जो वीडियो नहीं बना पाए, उसका कारण हम आपको ये दिखाते हैं और बताते हैं। और हमारा चैनल लगभग जनवरी में ही मोनेटाइज हो गया था, और हमने गूगल पिन जो एड्रेस वेरिफिकेशन आता है ना गूगल एडसेंस की तरफ से, वो हमने सेंड कर दिया था, तो वो उस टाइम से हम जनवरी से लेकर अभी तक नहीं आया। तो कुछ मतलब उससे भी थोड़ा मतलब ऐसा लगा कि अरे ये पता नहीं क्या समस्या आ रही है, और इस कारण से हमने वीडियो भी थोड़ा मतलब 50% उसमें डीमोनेटाइज हो गए हम, मतलब ऐसा कह सकते हो, थोड़ा मतलब बुरा लगा, तो उस कारण से भी हम वीडियो नहीं बना पाए। और फिर बिजी भी रहते हैं, ऑनलाइन का काम करते हैं, CSC सेंटर चलाते हैं, तो उस वजह से उसमें भी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। और वो गूगल एडसेंस का पिन भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी हमने उसको दोबारा रिप्लाई किया है, और फिर देखते हैं कब तक आएगा। बाकी का हमारा पेमेंट जो है यूट्यूब से बिल्कुल होल्ड है, लगभग $115 हो चुके हैं हमारे इस क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल में, और $100 हो जाते हैं तभी वो खाते में आ जाते हैं, लेकिन वो गूगल एडसेंस का पिन नहीं आया, तो वो जो डॉलर हैं वो अभी हमारे खाते में भी नहीं आएंगे, वहीं पे होल्ड हैं गूगल एडसेंस वाले अकाउंट में। ठीक है, तो 115 हो गए हैं, लगभग 2-3 दिन में $1 बढ़ जाता है जब से हम काम कर रहे हैं, लगभग 4 महीने से। पहले पर डे $1 बढ़ता था, फिर धीमे धीमे वीडियो कम बनाना स्टार्ट कर दिया, तो अब 1-2 दिन में $1 आता है, कुछ पॉइंट बढ़ते हैं, क्योंकि व्यूज तो बराबर चल ही रहे हैं, जो भी वीडियो हैं उनमें कुछ ना कुछ लोग देखते ही रहते हैं, तो लगभग इस तरीके से $1 भी आ रहे हैं और कम भी हो रहा, अच्छी बात है, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं हमारा चैनल। लेकिन क्या है, $115 होने के बावजूद भी वो हमारे पास आए नहीं वो पैसे, तो बस यही थोड़ा दुख है और यही थोड़ा सोचने को है। किसी से और कांटेक्ट करते हैं और इसके बारे में ज़रा डिटेल लेते हैं, समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। बाकी का फिर से हमने कर दिया है, अब दोबारा भी नहीं आएगा तो एक बार और करेंगे, तिबारा तीसरी बार, अगर तीसरी बार भी नहीं आता तो एक दूसरा तरीका, उससे वेरीफाई हो जाता है एड्रेस, हमने पता किया है, तो वो हो जाएगा तो फिर डॉलर अपने सीधे अकाउंट में आ जाएंगे, दो अकाउंट में आने के बाद वो पैसे क्या यूज होने लगेंगे किसी किसी काम में, तो फिर थोड़ा और मन लगेगा, क्योंकि जब चैनल से पैसे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कमाई हो रही, मन अच्छा है, बिल्कुल खुश है, लेकिन क्या वो हाथ तक नहीं पहुंच पा रहे ना पैसे, इस वजह से थोड़ा मन वैसा रहता है कि अरे इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी पैसे नहीं पहुंच रहे, तो यही सब सोच रहे थे हम। बाकी का कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पाता, इस वजह से नहीं बना पाए वीडियो, और इस चैनल से $115 के करीबन हो गए। अब $1 ऐसे जाता हो 80-85 के आसपास, ऐसे कुछ है, गूगल कर लेना फिर समझ में आ जाएगा। तो अब हम वीडियो बनाना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टाइम भी है, एकदम फ्री भी हैं हम, और वीडियो पर हमेशा आएगा जो भी टॉपिक है। और आप भी ज़रा कमेंट्स करना इस वीडियो पे, इस वीडियो के कमेंट में आप कुछ लिखना कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और आप लोग बताओगे तो और भी अच्छा लगेगा, तो हम उस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएंगे। और अभी भी हमने बहुत सारी जगह कवर कर रखी हैं पिछले लगभग 3-4 दिन से, हम इसी पे थोड़ा रिसर्च कर रहे थे कि अब वीडियो कहाँ कहाँ की लेके आएँ, तो हम 2-3 जगह हमने अच्छे से कर रखा है। तो हमारा कुछ प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन डिलीवरी मतलब आना है, एक तो वायरलेस माइक आना है, जो कि हमारे पास अभी बोया का BY-M1 माइक है जो कि इधर रखा हुआ है, एक सेकंड हम आपको दिखाते हैं,
ये है, लेकिन ये क्या वायरलेस है, इसमें क्या है वायर है, वायर वाला है जो हम वो ऑर्डर किए हैं वो वायरलेस है, उसमें वायर नहीं है, तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा इंटरव्यू के दौरान, जो हम लगा लेंगे और दूसरे व्यक्ति जो है जिनका इंटरव्यू लेंगे वो लगा लेंगे, तो उससे क्या रहता है वायर आयर की दिक्कत नहीं रहती, आगे पीछे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो वो माइक हमने ऑर्डर कर रखा है, वो आने वाला है। और अभी हमारे पास मोबाइल है रियलमी का, रियलमी 7 मोबाइल है, एक ही मोबाइल है, और बाकी का हमारे पास डेस्कटॉप सिस्टम है पूरा। तो ये मोबाइल क्या है, इन कामों में बिजी हो जाता है, ये हम आपको काम बता देते हैं, थोड़ा ऐसा कुछ काम है। ये हमारा डेस्कटॉप है और यहाँ पे हम काम करते हैं, ये हम बैठे हैं, और इसके बाद ये थोड़ा सा सिस्टम लगा हुआ है, ये कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ पे हम काम करते हैं, तो इसमें थोड़े बिजी हो जाते हैं, इस वजह से चैनल पे थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाकी का हम सोच रहे हैं एक मोबाइल भी थोड़ा ऑर्डर कर दें या फिर जाके ले लें, क्योंकि इस मोबाइल में क्या इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट फ़ोटो वीडियो पड़े रहते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है, इसको हटाओ डिलीट करो क्योंकि पूरा मोबाइल भर जाता है। तो हम सोच रहे हैं मोबाइल भी अपग्रेड कर दें, या फिर अपग्रेड नहीं इसको ही रखेंगे, उसको भी रखेंगे, वो सिर्फ चैनल के लिए रहेगा और ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए रहेगा, वो चैनल के लिए रहेगा, तो क्या आसानी रहेगी सारी चीज़ों में। उसमें चैनल से रिलेटेड सारे ऐप्स और एडिटिंग वगैरह, कैन मास्टर का जो ऐप है वो रहेगा, पिक्सार्ट वगैरह जो भी उससे रिलेटेड है वो उस वाले मोबाइल में रहेगा, और इसमें ये ऑनलाइन वाला रहेगा, क्योंकि दोनों काम करते ही हम, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, है ये हो जाएगा। और बाकी कुछ और हमने ऑर्डर किया है वो भी आ जाएगा हमारा, वो ऑर्डर आने के बाद भी हम बताएंगे, और काफ़ी कुछ ऐसा कर रहे हैं, बाकी का देखते हैं। और एक और व्यवस्था की है एक कैमरे की, तो उसकी भी हम आगे बताएंगे, वो अभी सीक्रेट है, हम अभी बता नहीं सकते, हाथ में आ जाएगा तब बताएंगे हम आपको। और बाकी का हम सारी चीज़ें अपग्रेड करते जा रहे हैं, और अब थोड़ा चैनल पर अच्छे से ध्यान देंगे, और कोशिश करते हैं एक हफ्ते में लगभग 2 वीडियो आ जाएँ, और अगर कोशिश करेंगे वैसे 3 का, लेकिन 3 नहीं आएंगे तो एक हफ्ते में 2 वीडियो तो कंटिन्यू आएंगे ही आएंगे। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो या आपका मन हो कि मोनू भाई आप उस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप उसको कमेंट करिए कि आप वहाँ जाके वीडियो बनाओ, या इस तरीका का मतलब जो वो होता नहीं वो बताने का, लोकेशन देने का कि इस वीडियो पे बनाओ, ऐसा बनाओ वैसा बनाओ जो भी है, तो कमेंट में थोड़ा सुझाव हो जाता वो, तो उस टॉपिक पे बनाएंगे। बाकी का हमने 2-4 जगह हमने ऐसा कर रखा है, और कुछ हमारे प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन से आ जाते हैं, और उनकी अनबॉक्सिंग करने के बाद फिर हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो बस हमने यही वीडियो इसीलिए बताया था, इसीलिए यह वीडियो बनाया है कि सभी को अपडेट कर दें कि हम फिर से वीडियो बनाने लगे हैं, लगभग 4 महीने से बंद किए थे, और चैनल अच्छा खासा चल रहा है तो क्यों बंद करें, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि देखो 4 महीने से हमने वीडियो बनाना भी बंद कर दिया, लेकिन कमेंट आने बंद नहीं हुए, हर वीडियो पे कमेंट आता है, और कमेंट आने के बावजूद उसमें डॉलर भी बढ़ रहे हैं। अब तो ये देखिए कि हम 4 महीने से वीडियो नहीं डाले फिर भी डॉलर बढ़ रहे हैं, तो ये भी तो एक अच्छी बात है ना, तो इस वजह से हम वीडियो अब बनाना बंद नहीं करेंगे, कमेंट भी आते हैं, डॉलर भी बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, मतलब सारा कुछ काम चल रहा है। आप उस पर वीडियो डालते रहोगे तो फिर और जल्दी चलेगा, कहने का मतलब ये है कि आप इस पर समय दीजिए, अगर समय दीजिएगा तो ये चैनल भी अच्छा चलेगा, और उसमें $100 से ज़्यादा होगा, $115 इसमें हो चुके हैं, और 2-3 दिन में $1 बढ़ जाता है, 2-3 दिन में $1 बढ़ जाता है। अब वो पेमेंट होल्ड है, होल्ड इसलिए कि गूगल पे पिन नहीं आया, गूगल पिन आ जाएगा तो एडसेंस वो लगा के सेट हो जाएगा, तो फिर वो पैसे भी वगैरह सब आने लगेंगे। इसके लिए हमें एक अकाउंट भी खुलवाना है, वो अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें वो लिंक करेंगे, HDFC का सोच रहे हैं, वो खुलवा लेंगे तो वो उससे काम हो जाएगा, बाकी का देखते हैं क्या होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे वीडियो अब आएंगे आपके लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, और कमेंट के ज़रिए आप हमें ये बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे आए या क्या करें। और हाँ वो क्या बोलते हैं शिवानी के यहाँ पर जो मामा जी ख़त्म हुए हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, और हम उनकी वीडियो भी बनाने गए थे, उनसे भी मिले थे, तो काफ़ी अच्छे इंसान थे। बाकी का मामा जी ख़त्म हो गए इस बात को भी हमें जानकारी मिली थी, वीडियो भी हमने देखा था, और वहाँ के कई लोग हैं जो उन्होंने भी फ़ोन करके हमें बताया था कि मामा जी का देहांत हो गया, मतलब मामा जी ख़त्म हो चुके हैं। तो ये सुन के काफ़ी बुरा लगा, वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, तो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें ईश्वर,
और ठीक है, बाकी का सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो मिलेंगे हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रा हमारी हेल्प करें, वीडियो का मार्गदर्शन करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जानकारी आपको कैसी मिली?